तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल्स का ऑपरेशन पेस। तो दोस्तों, आज का दिन काफ़ी कमाल का है, क्योंकि आज मैं अपने ऑपरेशन पेस में, मतलब जब ये बड़ा बेस बनाया उसके बाद में, मैं जोम्बी बुलाने वाला हूँ लाउड स्पीकर ऑन करके। तो इसीलिए यार, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होने वाली है, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि मतलब जब कैबिनेट का लेवल ज़्यादा कर देते हैं, तो मेरा जैसा कि कैबिनेट का लेवल 13 है, तो काफ़ी मुश्किल आती है। तो ये देख लो यार, मैंने जोम्बी बुलाए और मतलब आते ही इस डॉग ने मुझे नॉक कर दिया। तो काफ़ी दमदार है यार जोम्बी, मुझे ऐसा लग रहा है जो बात मैंने सुनी थी वो सच ही निकली। अब दोस्तों, जैसे कि हमने एसके के ऑपरेशन बेस में जब जोम्बी बुलाए थे, तो बिल्कुल आसानी से वो सारे के सारे जोम्बी किल हो गए थे। लेकिन यहाँ पे जोम्बी जो आए ना मेरे ऑपरेशन बेस में, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है यार। मतलब कि इन पे एक दो शॉटगन के फायर से तो कुछ भी हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे पहले लगा था कि यार हाई वेपन ही लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने M4 और AKM ली है, ताकि जोम्बी जल्दी से जल्दी किल हो जाए। मेरे पास में वैसे SMG भी है, ये देख लो आप लोग। तो यार, मतलब कि अगर मैं SMG चला रहा हूँ ना, तब भी काफ़ी देर में जोम्बी किल हो रहे हैं। तो मतलब इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है जोम्बी की। चलो तो यार, अभी देखते हैं। मतलब एसके और PG फैन भी वैसे मेरे ऑपरेशन बेस में आ रखे हैं, तो मतलब ये भी किल कर रहे हैं जोम्बी। मगर आज मैं समझ गया हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाली है हमारे, मतलब जोम्बी को किल करने में, क्योंकि जोम्बी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है और ज़बरदस्त फाइट होगी यार जोम्बी से। देखते हैं आगे क्या होता है वैसे। तो यार दोस्तों, देख लो कि मतलब एक जोम्बी हमारे मतलब बेसल के अंदर घुस गया गिलीच होके। तो मतलब इतनी सारी बेसल हमें तोड़नी पड़ गई, तब भी मुझे पता नहीं चला कि मतलब जोम्बी कहाँ पे। ये देखो भाई साहब, मेरा इतना ज़्यादा बेस यहाँ पे देख लो टूट गया है, और मतलब जोम्बी ने किया है सारा का सारा सब कुछ। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब जोम्बी इतनी ऊपर आया कैसे यार, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। इतना सारा बेस अब रिपेयर भी करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा तोड़ दिया जोम्बी ने। और मतलब जोम्बी जो आए हैं ना इस बार मेरे ऑपरेशन बेस में, ये काफ़ी स्पीड से तोड़ रहे हैं बेस को, मतलब डैमेज काफ़ी जल्दी कर रहे हैं यार। तो चलो, मैं सोच रहा हूँ इसको रिपेयर कर देता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा बेस मेरा डैमेज हो चुका है। तो इसमें क्या क्या लगेगी वो आइटम मैं कैबिनेट में से निकाल लेता हूँ, और इसको जल्दी से रिपेयर कर देता हूँ मेरे बेस को यार, ताकि मतलब जितना ये डैमेज हुआ है वो सही हो जाए। तो यार अभी ये क्या हुआ दोस्तों, देख लो मतलब कैसा कैसा ग्लिच हो रहा है मेरे साथ में। यहाँ पे भी जोम्बी ने मुझे किल कर दिया, और यहाँ पे भी वही डॉग आया है यार अंदर की साइड में। अब डॉग दिखाई भी नहीं दे रहा और मतलब मुझे किल भी कर दिया यार, कमाल की बात है। क्या क्या ग्लिच हो रहा है देख लो आप लोग। इतनी सारी बेसल भी बाहर से हमने तोड़ दी, क्योंकि यार मतलब जोम्बी बेसल में था, और फिर बाद में वो ना जाने कैसे बेस में चला गया ऊपर की साइड में यार। तो काफ़ी मुश्किल आ रही है आज के सारे जोम्बी, पता नहीं किल भी होंगे या नहीं होंगे यार। तो यार मेरी जो लूट यहाँ पे रह गई थी वो मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर डॉगी ने किल कर दिया था। चलो तो यार दोस्तों, मेरी लूट तो मुझे मिल गई है। अब एक बार मैं मतलब अपने बेस को रिपेयर कर देता हूँ यार दोस्तों, क्योंकि यार मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा बेस आज टूट सकता है। चलो तो ये हो गया रिपेयर अपना पूरा का पूरा बेस। अब मैं डाल देता हूँ इसमें वापस से ये सारे की सारी लूट। दोस्तों अब चलते हैं बाहर की साइड में, और वहाँ पे जाके जोम्बी को किल करते हैं। वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि वो डॉगी अंदर कैसे आ गया यार, वो वैसे दिखाई भी नहीं दिया मुझे, और मतलब ना जाने ग्लिच की वजह से मैं कैसे किल हो गया। अगर दिखाई देता तो तब भी मैं किल कर देता उसे, लेकिन यार मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो मतलब बेस को रिपेयर करने में लगा हुआ था यार। चलो तो यहाँ पे भी देख लो, आगे एसके और PG फैन दोनों है, और जोम्बी बेसल के अंदर घुसा हुआ है। तो यार ये देख लो, अजीब अजीब ग्लिच हो रहा है यार, मतलब इतना ज़्यादा नुकसान तो वैसे ही हो गया यार हमारा। मतलब इतनी सारी आयरन सब ग्रेड बेसल थी, वो भी तोड़नी पड़ गई हमें काफ़ी जगह से। चलो तो अभी दोबारा ये जोम्बी आ चुके हैं, तो इन्हें किल करते हैं जल्दी से यार। अब मैं कोई मौका नहीं दूंगा यार, मतलब इनको डैमेज करने का अपने बेस को, तो जल्दी जल्दी किल कर देता हूँ। वैसे अभी मैं SMG चला रहा हूँ, तो यार देख लो अपना एक और टीम मेट मतलब नॉक हो चुका है यार, मतलब PG फैन भाई नॉक हुए हैं। तो यार जोम्बी आई इतने खतरनाक रहे कि यार हम लोग क्या कर सकते यार, क्योंकि यहाँ पे लगभग 5 बंदों की ज़रूरत थी, लेकिन मतलब हम 3 हैं पहली बात। और मतलब यार ज़्यादा बंदे मैं बुला भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे बेस में अभी मैं सिर्फ 2 ही बंदों को बुला सकता हूँ। मतलब कि आपको पता होगा कि जब आप अपने ऑपरेशन बेस में किसी भी टीममेट को बुलाते हैं तो परमिशन देते हैं, और मतलब मैं 2 बंदों को परमिशन दे सकता हूं, तो इसलिए मैंने एसके और PG फैन भाई को परमिशन दे दिया। अब इसके अलावा और कोई भी नहीं आ सकता यार, अगर किसी और को बुलाना होगा तो फिर उसके बाद में मतलब PG फैन या एसके में से किसी एक की परमिशन हटानी पड़ेगी, तो मतलब ये ऑफलाइन हो जाएंगे फिर। तो इसलिए बात तो बराबर रही यार, कोई भी आए। तो यार मतलब कुल मिला के हम 3 बंदों को इन जोम्बी को संभालना पड़ेगा, लेकिन जोम्बी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है यार, ये मेरे समझ में आ गई है। तो यार मैंने एक बहुत बड़ी गलती की यार, मतलब अपनी कैबिनेट का लेवल मैंने 13 कर दिया ना, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है यार।
अब दोस्तों पहले तो मैंने खुशी खुशी में ये सोच लिया कि मतलब लार्ज स्टोरेज लगाने, इतनी सारी लूट है अपने पास में, तो मतलब जल्दी से जल्दी कैबिनेट का लेवल ज़्यादा करते हैं, उसके बाद में गैराज का लेवल ज़्यादा करेंगे और तब हम ज़्यादा लार्ज स्टोरेज लगा पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि मतलब गैराज का लेवल जब हम ज़्यादा करते हैं तब हम लार्ज स्टोरेज लगा सकते हैं ज़्यादा। तो यार मतलब उसी चक्कर में मैंने लार्ज स्टोरेज ज़्यादा लगाने के चक्कर में ही अपनी कैबिनेट को ज़्यादा अपग्रेड कर दिया और इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है, मतलब आप लोग देख लो। लेकिन अब मैंने एक बात सोच ली यार, ज़ॉम्बी जब भी बुलाएंगे ना अगली बार से, तो मतलब एक बात सोच के बुलाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमओ बनाएंगे और मतलब कि पूरी तैयारी करेंगे पहले, मतलब लगभग एक एक बंदे के पास में तीन तीन हाई वेपन भी रहने चाहिए। तो दोस्तों ये देख लो, मतलब थोड़ा बहुत मेरा नेट भी दिक्कत कर रहा है क्योंकि इतनी दूर से मुझे ये डॉगी किल कर दिया यार। किल यही कर रहा है वैसे हर बार, और ज़ॉम्बी किल नहीं करते, ये डॉगी हमेशा किल कर देता है। क्योंकि और ज़ॉम्बी का काम होता है हमारे बेस को डैमेज करना, लेकिन ये जो डॉगी है ना, ये मतलब हमारे ऊपर भी मतलब अटैक कर देता है यार। इसका कुछ पता नहीं रहता यार, ये मतलब कब ये बेस को डैमेज करेगा और कब ये हमें डैमेज कर देगा, ये कोई नहीं बता सकता यार। और ज़्यादातर जब भी मतलब ज़ॉम्बी आते हैं ना, तो एक बार में ये दो डॉगी आते हैं, मुझे इतना ज़रूर पता है। तो देख लो यहाँ से बेसल भी हमारी डैमेज हो चुकी है यार, मतलब टूट चुकी है। टूटना तो नहीं बोलेंगे वैसे यार, मतलब डैमेज हुई है ये, टूटना तो अलग बात हो जाती है। रेड कलर की हुई है, मतलब ये डैमेज हुई है, रिपेयर हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक काफ़ी सारे ज़ॉम्बी यार, तीन तीन ज़ॉम्बी, इन्हें भी मैं किल कर देता हूँ। और अभी आप लोग देख लो कि मेरी पूरी SMG खाली हो जाती है लगभग एक ज़ॉम्बी को किल करने में। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि मतलब कितनी ज़्यादा एमओ लगी होगी हमारी और कितनी ज़्यादा गन बर्बाद होगी आज हमारी। अभी तक तो एमओ लगी क्या है, वैसे मेरे पास में एमओ ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैंने मतलब जैसे पहले मैं ज़ॉम्बी किल करता था ना अपने ऑपरेशन बेस में, मैंने उतनी एमओ बनाई आज, और मुझे नहीं पता था कि इतने खतरनाक ज़ॉम्बी आ जाएंगे। तो लास्ट में जब मैंने ज़ॉम्बी बुलाए थे ना, लगभग मेरे कैबिनेट का लेवल 8 या 9 ही था, और उसके बाद में मैंने सीधा डायरेक्ट अभी ज़ॉम्बी बुलाए हैं 13 लेवल करके कैबिनेट का, तो इसलिए इतने खतरनाक ज़ॉम्बी आ गए अब यार, और इनको मतलब किल करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। देख लो दो दो बंदे होके फायर कर रहे हैं हम लोग, तब भी ज़ॉम्बी किल नहीं हो रहा यार, कमाल की बात है। ना जाने कितनी ज़्यादा हेल्थ हो गई है अब मतलब ज़ॉम्बी की। अब दोस्तों आज हमारे हालात देख के मैं मतलब एक बात आप सभी को कहना चाहूँगा कि मतलब आप लोग अपनी कैबिनेट का लेवल बिना सोचे समझे ज़्यादा मत करना यार, क्योंकि मैंने तो गलती कर दी। अब मैं तो जैसे तैसे फिर भी मतलब संभाल लूँगा, क्योंकि मेरे पास में एक पूरा लार्ज स्टोरेज हाई वेपन से फुल है, तो इसलिए मैं तो फिर भी संभाल सकता हूँ। लेकिन कई बंदों के पास में इतने ज़्यादा हाई वेपन नहीं होंगे, तो वो इतने खतरनाक ज़ॉम्बी को कैसे किल करेंगे, और कई बंदों के पास में तो फिर टीम भी नहीं है, वो अकेले कैसे किल करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, अगर आपकी कैबिनेट का लेवल 5 या 6 है ना, तब तो आप अकेले भी ये जो ज़ॉम्बी आएंगे ना लाउड स्पीकर ऑन करने के बाद में, इन्हें आप अकेले भी किल कर सकते हो। 30 मिनट का टाइम मिलता है, 30 मिनट में आप आराम से किल कर दोगे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा लेवल होने के बाद में आप अकेले तो क्या, मतलब तीन बंदों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगी, जैसे कि अभी हमें आ रही है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि कैबिनेट का लेवल ज़्यादा मत करना। अगर लार्ज स्टोरेज आपको लगाने हैं तो जितने लगे हुए हैं ना 5 या 6 लेवल पे, मतलब कैबिनेट का लेवल अगर 6 हो गया तो गैराज का भी लेवल आप 6 कर सकते हो। तो मतलब इतने ही लार्ज स्टोरेज लगाना यार, उससे ज़्यादा फिर मतलब लगाना मत। क्योंकि यार अगर लार्ज स्टोरेज लगाने के लिए आप अपग्रेड करोगे कैबिनेट को और फिर उसके बाद गैराज को, तो फिर यही दिक्कत आपको भी देखने को मिलेगी। अब देख लो मतलब ड्रॉप तो आएगी, मुझे पता है ड्रॉप तो आएगी अगर हम जीते तो, ये तो बात सही है। लेकिन यार ड्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक हाई वेपन मिल जाएगा या दो हाई वेपन मिल जाएंगे। और आज मुझे अभी पता है कि इतने ज़्यादा ज़ॉम्बी जो आ रहे हैं और इनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा है ना, तो हमारे 4-5 हाई वेपन वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये नुकसान की बात हुई ना कि फ़ायदे की, ऐसी ड्रॉप लेने से क्या मतलब है यार जिसमें इतना ज़्यादा नुकसान तो पहले ही हो जाए। तो इससे अच्छा यही है कि मतलब या तो टैंक फोड़ दो आप लोग, या फिर एवेंजर किल कर लो, अगर मेरे जितना आपका लेवल हो चुका है तो। तो यार दोस्तों देख लो, डॉगी फिर से आया और मतलब पीजी फैन भाई को नॉक कर दिया, तो चलो मैंने इसको किल कर दिया यार। दोस्तों अभी मेरे साथ में एक और ग्लिच हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरा ऑपरेशन वैसे लाउड स्पीकर मैंने ऑन किया, लेकिन मेरे टाइमिंग नहीं आ रही। जैसे कि आप लोग जानते हो लाउड स्पीकर ऑन करने के बाद में टाइमिंग आती है 30 मिनट की, और वो कम होती जाती है, तो वो टाइमिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही। अब मुझे पता नहीं है कि कितनी देर हो चुकी ज़ॉम्बी को किल करते करते और कितना टाइम और लगेगा, तो इसीलिए ड्रॉप आएगी या नहीं कुछ भी हमें पता नहीं है। तो दोस्तों क्या हम इन ज़ॉम्बी से जीत पाएंगे और क्या हमें ड्रॉप मिलेगी, ये सब कुछ जानने के लिए इसी वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा यार, सिर्फ और सिर्फ मैक्स मोर गेमिंग पर।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, जिन भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।